नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे तो आइए आइएगा बहुत सारे लोगों को ये बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार था कि कल के एग्ज़ाम कल जो 25 तारीख को जो मीटिंग होने वाला था बेसिकली उस मीटिंग के अंदर हुआ क्या बहुत सारा किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था हिंदी न्यूज़पेपर वाले ने कुछ पब्लिश नहीं किया था लोगों ने उनको पढ़ने की कोशिश की रिसर्च किया तो कहीं पर कुछ ज़्यादा मिला नहीं लेकिन आइए कुछ न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया है देखिए एक्चुअली है क्या तो हेडिंग अगर देखोगे एक्सटर्नल एजेंसी टू कंडक्ट रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम तो बेसिकली अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूँ वैसे आपके सामने खुला हुआ है आप खुद पढ़ सकते हो इस इन सारी चीज़ों को लेकिन मैं अगर मोटे मोटे तौर पर बता दूँ तो कुल मिलाकर यह है कि कुछ बीस से पच्चीस कंपनी आई हुई थी और सब ने सब कोई अपना पीपीटी रिप्रेजेंटेशन दिया उन्होंने सब पीपीटी लेकर आए थे सब ने बताया कि हम कैसे कैसे एग्ज़ाम लेंगे किस किस तरीके से कंडक्ट कराएंगे लोगों को बच्चों के क्या क्या फैसिलिटीज़ कराएंगे वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग बहुत सारे एग्जाम में उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे तो बेसिकली सारे लोगों के सारे रिप्रजेंटेशन को देखा अरबी वालों ने गौरव किया और कहा कि फ़िलहाल मैं अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लेने जा रहा हूँ क्यों क्योंकि मैं अभी सोचूंगा इसके ऊपर गौर फिक्र करूंगा और उसके बाद फाइनली एक से नीचे आप देख सकते हो वुड वन टू थ्री मंथ आपको एक से दो महीने का टाइम लगेगा हो सकता है एक से दो महीने के टाइम के बाद मैं फाइनल डिसीजन बताऊंगा कि, कि किस कंपनी को हाई किस कंपनी को मैं इसका एग्ज़ाम का जिम्मेदारी देता हूँ तो फ़िलहाल अभी कुल मिलाकर कुछ फाइनल हुआ नहीं कल के मीटिंग से और यह बड़ा एक कन्फ्यूज़न जो था कि एन पहले होगा ग्रुप डी पहले होगा उसके पूछे जाने पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और उसके बाद पहले हम लोग फाइनल करेंगे और उसके बाद एन टी पी ज़्यादा जोर है तो हो सकता है एन टी भी पहले लें और हो सकता है ग्रुप डी का भी पहले एग्जाम लें तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि एन टी पहले होगा या ग्रुप डी पहले होगा जो लोग हवा बना के रखे हुए हैं या फिर जो है तो ऐसा कोई कोई सब उन सारी बातों को खारिज करते हुए उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया तो ये था गाइज कल के अपडेट के बारे में तो अब छोटा सा और क्या बताएं इसके बारे में बाकी आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अपना इतना टाइम दिया कीमती थैंक यू